नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भोपाल में पिता ने दूध मुहे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शराबी पिता ने नशे में अपने 4 महीने के बेटे को पहले दीवार पर फेंक दिया, उसके बाद निर्दयता से गला घोट कर हत्या कर दी। पूरा मामला भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पत्नी को ले जाने के लिए ससुराल भोपाल आया था। पत्नी ने बाद में चलने की बात कही, इसके बाद पति और पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। घटना के समय आरोपी पिता शराब के नशे में था। पत्नी के मना करने के बाद नशे में धुत आरोपी गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में अपने 4 महीने के बेटे को पहले तो उठाकर दीवार पर दे मारा, इसके बाद उसकी गला घुटकर हत्या कर दी। घटना के बाद वैश्य पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी में पुलिस आयुक्त में पहुंचा, वहां पे तो जो उसकी पत्नी है संगीता वर्मा, उसने बताया कि मैं 4 महीने से अपने मायके में रह रही हूँ और यहाँ पे अभी परसों उसका पति आया था। वो लेकिन अपन को घर चलना है, ससुराल चलना है, जो कि खिलचीपुर में के पास उसका घर है। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हम कल चलेंगे, आज आप हमको इसका लगा कि आपने नशा किया हुआ है। तो इसी बात पे वो उत्तेजित हो गया उसका पति, और उसकी जो गोदी में उसका बच्चा था, उस बच्चे को उसने खींच लिया और खींच के उसको दीवार पर ऐसे रख के और उसका गला दबा दिया। वो उसकी गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई है। आसपास घटना आसपास के लोगों ने देखी, जैसे उन्होंने देखा कि बच्चा चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, तो उसको लेके वो हमीदिया के लिए रवाना हुए और उसका जो बाप जिसने उसको मारा था वो मौके से फरार हो गया। तत्काल अपने सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया। एक टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया गया और एक टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल वहाँ से मौके से रवाना हुई। तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी चूँकि खिलचीपुर के पास रहने वाला है तो खिलचीपुर हो सकता है। तो रात को ही टीम खिलचीपुर पहुंची, वहां से मालूम पड़ा कि आरोपी पुनः खिलचीपुर से वापस भोपाल आया है। तो टीम फिर वहां से भोपाल में आई, तो आज अभी समथिंग 3 बजे के आसपास उसको मुबारकपुर से अपन ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर उसको थाने पर आया। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है, अभी अग्रिम कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या चिन्हित अपराधों में इसको आप रखेंगे? बिल्कुल, इसके लिए मैं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इसको अपन चिन्हित अपराध में ही रखें और इसका तुरंत फास्ट ट्रैक रूट जल्दी से जल्द इसका ना।